हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसडीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 13, लाइट साउंड एंड फोर्स। चैप्टर 13 का क्या नाम है? लाइट साउंड एंड फोर्स। लाइट मीन्स होता है प्रकाश, साउंड मीन्स ध्वनि या आवाज, एंड फोर्स मीन्स बल। तो इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी लाइट मीन्स प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, साउंड यानी कि ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, एंड फोर्स और बल के बारे में। यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे? लाइट के बारे में, साउंड के बारे में, एंड फोर्स और बल के बारे में। सो लेट स्टार्ट। सर्टेन थिंग्स लाइक लाइट साउंड एंड फोर्स आर नॉट मैटर। सर्टेन थिंग्स मीन्स कुछ वस्तुएं, लाइक जैसे लाइट, प्रकाश, साउंड, ध्वनि एंड फोर्स और बल आर नॉट मैटर, पदार्थ नहीं है। यानी कि कुछ वस्तुएं जैसे प्रकाश, ध्वनि और बल पदार्थ नहीं है। लेट अस लर्न अबाउट देम। आइए इनके बारे में जानते हैं। कुछ वस्तुएं जैसे प्रकाश होती हैं, ध्वनि होती हैं, बल होते हैं, तो ये पदार्थ नहीं होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम क्या करेंगे इस चैप्टर में जानेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है, लाइट। लाइट मीन्स प्रकाश। लाइट हेल्प अस टू सी द वेरियस थिंग्स अराउंड अस। लाइट मीन्स प्रकाश हेल्प अस, हमारी मदद करता है टू सी, देखने में द वेरियस थिंग्स, विभिन्न पदार्थ वस्तुओं को अराउंड अस, हमारे आसपास की या हमारे चारों तरफ। प्रकाश हमारे आसपास की विभिन्न वस्तुओं को देखने में मदद करता है। प्रकाश हमारे आसपास की विभिन्न वस्तुओं को हमें देखने में मदद करता है। इफ देयर इज नो लाइट, नथिंग वुड बी विजिबल टू अस। इफ देयर इज नो लाइट, यदि प्रकाश न हो। इफ देयर इज नो लाइट का मतलब यदि प्रकाश न हो, नथिंग वुड बी विजिबल। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, वुड बी विजिबल दिखाई देगा, विजिबल मीन दिखाई देना, टू अस हमें, यानी कि प्रकाश न हो तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। द सन इज द नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। द सन मीन्स सूर्य, इज द नेचुरल सोर्स, प्राकृतिक स्रोत है ऑफ लाइट, प्रकाश का, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। यानी कि सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कौन है? सूर्य है। इट अपियर्स टू अस डेट द मून आल्सो गिव्स लाइट टू द अर्थ। इट अपियर्स, ऐसा प्रतीत होता है टू अस हमें, हमें ऐसा प्रतीत होता है डेट कि द मून, चंद्रमा, आल्सो भी गिव्स देता है लाइट मीन्स प्रकाश टू द अर्थ, पृथ्वी को। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा भी पृथ्वी को प्रकाश देता है। बट इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। बट इट डज नॉट, नहीं होता है इट्स ओन लाइट, इसका स्वयं का प्रकाश, लेकिन इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। किसका? चंद्रमा का। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा भी हम पृथ्वी को प्रकाश देता है, लेकिन चंद्रमा का जो होता है स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। इट ओनली रिफ्लेक्ट, यह केवल परावर्तित करता है द लाइट, प्रकाश को, आप द सन, सूर्य के, टू द अर्थ, पृथ्वी पर। यह केवल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर परावर्तित करता है। इसका मतलब यह है कि चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है और उस प्रकाश को क्या करता है? पृथ्वी पर परावर्तित करता है, भेजता है। तो स्वयं का प्रकाश किसका होता है? सन का, सूरज का, क्योंकि वह क्या है? वह एक नेचुरल सोर्स है, प्राकृतिक स्रोत है पृथ्वी पर प्रकाश का, और चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता है। सो वी कैन सी डेट देयर आर टू काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इस प्रकार वी कैन सी, हम देख सकते हैं डेट की देयर आर टू काइंड, दो प्रकार के ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तुएं होती हैं। इस प्रकार हम क्या देख सकते हैं कि वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस मीन्स होता है चमकदार। ल्यूमिनस मीन्स चमकदार, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तुएं, चमकदार वस्तुएं। अभी आपने क्या कहाँ तक पढ़ा कि जो प्रकाश देता है कौन देता है? सन क्या करता है? हमें प्रकाश देता है। और जो मून, हमें ऐसा लगता है कि मून भी प्रकाश देता है, चंद्रमा भी, वो उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बल्कि वो प्रकाश किसका होता है? सन का होता है, सूर्य का। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, चमकदार वस्तुएं।
दिज ऑब्जेक्ट इमिट देयर ओन लाइट लाइक द सन द स्टार टॉर्चेज कैंडल्स बल्ब इटीसी। दिज ऑब्जेक्ट, ये वस्तुएं इमिट्स, इमिट्स मीन होता उत्सर्जित करना, देयर ओन लाइट अपने स्वयं को प्रकाश, स्वयं का प्रकाश, लाइक जैसे द सन सूर्य, स्टार तारे, टॉर्चेज टॉर्च, कैंडल्स मोमबत्तियां बल्ब इत्यादि। यानी कि ये वस्तुएं जैसे सूर्य तारे टॉर्च मोमबत्तियां बल्ब इत्यादि क्या करती हैं, अपने स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं। ये वस्तुएं जैसे सूर्य तारे टॉर्च मोमबत्तियां बल्ब इत्यादि अपने स्वयं के प्रकाश को क्या करती हैं, उत्सर्जित करती हैं। यू कैन लुक हियर, ये सन है, ये प्रकाश हमें देता है। लैंटर्न लालटेन स्टार तारे ये भी क्या करते हैं, हमें प्रकाश देते हैं। एंड सन आल्सो इज ए स्टार, सन भी ये क्या है, एक तारा ही है, एक स्टार है। तो चमकदार वस्तुएं क्या करती है, अपने स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस मीन्स गैर चमकदार, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तुएं, गैर चमकदार वस्तुएं। दीज ऑब्जेक्ट कैन नॉट इमिट देयर ओन लाइट लाइक द अर्थ द मून पेंसिल्स टेबल्स बुक बैग्स इटीसी। दीज ऑब्जेक्ट, ये वस्तुएं कैन नॉट इमिट, नहीं उत्सर्जित कर सकती हैं। इमिट मीन्स उत्सर्जित करना, नहीं उत्सर्जित कर सकती हैं देयर ओन लाइट, अपना स्वयं का प्रकाश, लाइट जैसे द अर्थ पृथ्वी, द मून चंद्रमा, पेंसिल्स टेबल्स मीन्स मेज, बुक्स मीन्स किताबें, बैग इटीसी इत्यादि। ये वस्तुएं जैसे पृथ्वी चंद्रमा पेंसिल्स टेबल्स बुक्स बैग इत्यादि अपने स्वयं के प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर सकती हैं। ये वस्तुएं जैसे पृथ्वी चंद्रमा पेंसिल्स मेज यानी कि टेबल्स मेज टेबल्स बुक्स बैग इत्यादि अपने स्वयं के प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर सकती हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल ऑन दे। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मीन्स गैर चमकदार वस्तुएं आर विजिबल, दिखाई देती हैं, विजिबल मीन दिखाई देना, ओनली व्हेन केवल जब लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, लाइट मीन्स प्रकाश फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट चमकदार वस्तुओं की फाल गिरती हैं ऑन देम उनके ऊपर यानी पड़ती हैं। यानी कि गैर चमकदार वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब चमकदार वस्तुओं का प्रकाश उन पर पड़ता है। गैर चमकदार वस्तुएं केवल तभी दिखाई देती हैं जब चमकदार वस्तुओं का प्रकाश उन पर पड़ता है। यू कैन लुक हेयर, मून ये क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। टेबल नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। पेंसिल नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मतलब कि इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये हमें केवल तब दिखाई देती हैं जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है, तभी ये हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रेज। लाइट मीन्स प्रकाश, ट्रेवल मीन्स यात्रा करता है या गमन करता है, जाता है इन स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में, कॉल्ड कहलाता है रेज किरणें। यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है, सीधी रेखा में जाती है या सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे क्या कहते हैं, रेज कहते हैं। रेज मीन्स किरणें कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड, यह कहलाता है रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन ऑफ लाइट प्रकाश का। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, यानी कि इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसे, कि जो लाइट होता है वो सीधी रेखा में जाती है, सॉरी लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रेज। लाइट मीन्स प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, जिसे क्या कहते हैं, रेज किरणें कहते हैं। व्हेन दिज लाइट रेज हिट एनी थिंग्स दे रिफ्लेक्ट बैक द लाइट। यानी कि व्हेन, जब दिज लाइट, ये प्रकाश रेज किरणें, जब ये प्रकाश की किरणें हिट टकराती हैं एनीथिंग किसी से या किसी वस्तु से, जब ये प्रकाश की किरणें किसी से किसी चीज से टकराती हैं, किसी वस्तु से टकराती हैं, दे रिफ्लेक्ट, वे परावर्तित करती हैं बैक वापस द लाइट प्रकाश को। जब ये प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से या किसी चीज से टकराती हैं तो वे वापस प्रकाश को क्या करती हैं, परावर्तित करती हैं। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
दिस इज कॉल्ड, यह कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, या इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश जो होता है, प्रकाश की किरणें किसी वस्त्र से टकराती हैं और उस प्रकाश को वापस क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती हैं, उस प्रकाश को वापस रिफ्लेक्ट करती, यानी कि परावर्तित करती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट वी आर एबल टू सी द थिंग्स अराउंड अस। इट इज ड्यू, यह इट मीन्स, यह इज मीन्स है, ड्यू मीन्स कारण, टू द रिफ्लेक्शन, परावर्तन का ऑफ लाइट, प्रकाश के, यह प्रकाश के परावर्तन का कारण है, डेट की हम, वी हम आर एबल, योग्य होते हैं, सक्षम होते हैं, टू सी, देखने में, द थिंग्स अराउंड अस, अपने चारों तरफ की वस्तुएं, आस पास की वस्तुएं, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम अपने आस पास की वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन न हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट न हो, तो हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। हम केवल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को ही देख पाएंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। लेकिन कब देखते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। नेक्स्ट कह रहा ग्राफ, लाइट कैन नॉट पास थ्रू सम ऑब्जेक्ट, लाइट कैन नॉट पास, यानी कि प्रकाश कैन नॉट पास, नहीं जाती है सब ऑब्जेक्ट, कुछ वस्तुओं के, प्रकाश प्रकाश जो है कुछ वस्तुओं से या कुछ कुछ वस्तुओं के पार या कुछ वस्तुओं को क्रॉस नहीं करती है, कुछ वस्तुओं से नहीं जा पाती है, प्रकाश कुछ वस्तुओं से नहीं जाती है। दे आर कॉल्ड ओपेक्स ऑब्जेक्ट, दे आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट, दे मीन्स वे आर कॉल्ड, कहलाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक मीन्स होता है अपारदर्शी, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तुएं, यानी कि प्रकाश जो होता है कुछ वस्तुओं से नहीं जा पाता है, कुछ वस्तुओं के आर पार नहीं हो पाता है, उसी को क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट मीन्स अपारदर्शी वस्तुएं, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं, कुछ सॉरी जो प्रकाश होता है कुछ वस्तुओं के पार नहीं जा पाता है, कुछ वस्तुओं से नहीं जा पाता, कुछ वस्तुओं से गुजर नहीं पाता, हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश कुछ वस्तुओं से गुजर नहीं पाता है, प्रकाश जो होता है कुछ वस्तुओं से गुजर नहीं पाता है, उसी को क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी वस्तुएं। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ लाइट, ए शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्मेड। When an opaque object, when means जब an opaque object, अपारदर्शी वस्तु, comes means आती है, in the way, रास्ते में of light, प्रकाश के, जब एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है, a shadow of the object, वस्तु की छाया is formed बनती है, यानी कि जब एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है, प्रकाश के रास्ते में आती है, तो उस वस्तु की छाया बनती है। ए शैडो इज ए डार्क इमेज विथ ए सिमिलर शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शैडो में छाया इज ए डार्क इमेज, डार्क इमेज मीन्स धुंधली तस्वीर है, विथ ए सिमिलर समान शेप, आकार की ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की छाया क्या है, छाया उस वस्तु के आकार की धुंधली तस्वीर है। छाया क्या होती है, छाया जो होती है उस वस्तु के आकार की, उस वस्तु के आकार की या आकृति की धुधली तस्वीर होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि छाया उस वस्तु के आकार जैसा धुधली आकृति होती है। बट ऑफन द साइज ऑफ द शैडो इज आइदर स्मॉलर आर बिगर देन द ऑब्जेक्ट, बट मीन्स लेकिन, ऑफन प्राय द साइज ऑफ द शैडो, साइज मीन्स होता है आकार, ऑफ द शैडो छाया की, लेकिन प्राय छाया की आकार इज आइदर या तो स्मॉलर छोटा छोटी होती है, आर बिगर या तो बड़ी होती है, देन से द ऑब्जेक्ट वस्तु से, यानी कि लेकिन प्राय जो छाया का आकार होता है, छाया का आकार या तो उस वस्तु से बड़ी होती है, या तो उस वस्तु से छोटी होती है या बड़ी होती है, लेकिन प्राय उस वस्तु की छाया का आकार, देख बट ऑफन द साइज ऑफ द शैडो इज आइदर स्मॉलर आर बिगर देन द ऑब्जेक्ट, लेकिन प्रायः छाया का आकार उस वस्तु से या तो छोटी होती है या तो बड़ी होती है, यानी कि जब छाया बनती है, हम ही लोग अगर धूप में जाते हैं तो हम लोगों की छाया बनती है ना,
या किसी भी लाइट में होती है तो हमारी छाया बनती है, तो वो जो छाया होती है, शैडो होती है, या तो हमसे बड़ी बनेगी या तो छोटी बनेगी। वो उस एंगल पे निर्भर करती है कि वो जो जहां से लाइट आ रहा है वो किस एंगल पे, अगर वो हमारे ऊपर हो लाइट तो वो छाया छोटी बनती है, अगर वो लाइट हमसे दूर है तो वह छाया भी बड़ी ही बनती है। तो वो तो उसके एंगल पे निर्भर करती है, डिपेंड उसके एंगल पे करती है। तो छाया या तो उस वक्त से बड़ी होती है या तो छोटी होती है। ए शैडो इज ऑलवेज फॉर्मेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। ए शैडो मीन्स एक छाया इज ऑलवेज फॉर्मेड, हमेशा बनती है ऑन द अपोजिट साइड, विपरीत दिशा में, ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत के। यानी कि जो छाया होती है वह प्रकाश के स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है। यानी कि अगर यहाँ पे लाइट है और हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं, तो छाया कहाँ बनेगी? शैडो यहाँ पे बनेगी, इसके इस लाइट के विपरीत दिशा में। अगर लाइट यहाँ पे है तो छाया इधर बनेगी, लाइट इधर है तो छाया इधर बनेगी। लाइट नॉर्थ में है तो छाया उसकी किधर बनेगी? साउथ में। और अगर लाइट कहाँ है? ईस्ट में है, तो उस पदार्थ लाइट ईस्ट में है और कोई पदार्थ यहाँ पे है तो छाया कहाँ बनेगी? वेस्ट में। यानी कि जो लाइट छाया बनती है, शैडो बनती है, वो उस लाइट के हमेशा अपोजिट साइड में बनती है। इधर बनती है अपोजिट साइड साइड में। तो आई होप आपको लाइट के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट भी चलते हैं। साउंड, साउंड मीन्स क्या होता है? ध्वनि या आवाज, ध्वनि कहेंगे। साउंड मीन्स ध्वनि। वी हियर मेनी काइंड ऑफ साउंड एवरी डे। वी मीन्स हम, हियर मीन्स सुनते हैं, मेनी काइंड ऑफ साउंड, बहुत से, काइंड मीन्स प्रकार की, ध्वनि साउंड मीन्स ध्वनि, एवरी डे प्रत्येक दिन, हर दिन हम हर दिन बहुत प्रकार के आवाजों को, ध्वनियों को सुनते हैं। हम प्रतिदिन बहुत से प्रकार के ध्वनियों को सुनते हैं। वी कैन मेक साउंड थ्रू आवर माउथ एंड आल्सो बाई क्लैपिंग हैंड्स आर टैपिंग आवर फुट। वी कैन मेक, हम बना सकते हैं साउंड, ध्वनि, हम यानी कि हम ध्वनि निकाल सकते हैं थ्रू आवर माउथ, अपने मुंह से, हम अपने मुंह से ध्वनि निकाल सकते हैं। एंड आल्सो, और भी, बाई क्लैपिंग हैंड, हाथों को, सॉरी, हाथों को ताली बजाकर, यानी कि ताली बजाकर, आर टैपिंग आवर फुट, और पैरों को थपथपाकर, मतलब कि वी कैन मेक साउंड थ्रू आवर माउथ एंड आल्सो बाई क्लैपिंग हैंड्स आर टैपिंग आवर फुट। हम अपने मुंह से और ताली बजाकर या पैरों को थपथपाकर आवाज निकाल सकते हैं। हम अपने मुंह से ताली बजाकर और पैरों को थपथपाकर आवाज निकाल सकते हैं, ध्वनि निकाल सकते हैं। मोस्ट एनिमल, अधिकांश जानवर, कैन आल्सो, भी, मोस्ट एनिमल कैन आल्सो मेक साउंड थ्रू देयर माउथ आर थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज। मोस्ट एनिमल मीन्स अधिकांश जानवर, कैन आल्सो भी मेक साउंड, आवाज निकाल सकते हैं थ्रू देयर माउथ, अपने मुंह से, आर थ्रू डिफरेंट एक्टिविटी, या विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से। अधिकांश जानवर भी अपने मुंह से या अपने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से ध्वनि निकाल सकते हैं। द बार्किंग ऑफ ए डॉग, बार्किंग मीन्स भोंकना, भोंकना ऑफ ए डॉग, कुत्ते का भोंकना। द म्यूइंग ऑफ ए कैट, बिल्ली का म्याऊ म्याऊ करना। द स्पीकिंग ऑफ ए मैन, आदमी का बोलना, ईटीसी इत्यादि आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड, आदि विभिन्न प्रकार के क्या है? साउंड है, ध्वनि है। यानी कि कुत्ते का भौंकना, बिल्ली का म्याऊ करना और आदमी का बोलना, कुत्ते का भौंकना, बिल्ली का म्याऊ करना और आदमी का बोलना इत्यादि विभिन्न प्रकार की क्या है? ध्वनि है, साउंड है, ध्वनि है। सिमिलरली, इसी प्रकार, रस्टलिंग ऑफ लीव, रस्टलिंग मीन्स क्या होता है? सरसराहट ऑफ लीव्स, पत्तियों का, इसी प्रकार पत्तियों की सरसराहट। विस्लिंग ऑफ विंड, विस्लिंग मीन्स क्या होता है? सीटी ऑफ विंड, हवा की सीटी, इसी प्रकार पत्तियों की सरसराहट, विस्लिंग ऑफ विंड, हवा की सीटी। बजिंग ऑफ एलार्म, एलार्म का बजना, बजिंग ऑफ अलार्म, अलार्म का बजना, ईटीसी इत्यादि आर आल्सो भी एग्जाम्पल ऑफ साउंड, ध्वनि के उदाहरण हैं। इसी प्रकार पत्तियों की सरसराहट, हवा की सीटी और
अलार्म का बजना इत्यादि क्या है? ध्वनि के उदाहरण है, साउंड के उदाहरण है। ए साउंड लाइक म्यूजिक इज प्लीजेंट टू ईयर, वेयर एज ए साउंड लाइक हॉन्किंग ऑफ ए हॉर्न इज अनप्लीजेंट टू हियर। ए साउंड लाइक म्यूजिक इज प्लीजेंट, ए साउंड मीन्स एक ध्वनि, ध्वनि लाइक म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक मीन्स संगीत, संगीत जैसी ध्वनि इज प्लीजेंट, सुखद होती है टू ईयर सुनने में। संगीत जैसी ध्वनि सुनने में क्या होती है? सुखद होती है। वेयर एज ए साउंड लाइक हॉन्किंग ऑफ ए हॉर्न, जबकि हॉर्न का बजना क्या होता है? इज अनप्लीजेंट टू हियर, सुनने में क्या होती है? दुखद होती है या अप्रिय होती है। अनप्लीजेंट मीन्स अप्रिय, मतलब कि संगीत का सुनना कैसा होता है? सुखद होता है। संगीत का बजना, संगीत की ध्वनि सुनने में क्या होता है? यहाँ पे ई आर नहीं रहेगा, हियर एच ई ए आर एस रहेगा, एच ई ए आर। तो संगीत की ध्वनि सुनने में सुखद होती है, जबकि हॉर्न का बजना सुनने में कैसा लगता है? अप्रिय लगता है, यानी कि अच्छा नहीं लगता है। एन अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज, एन अनप्लीजेंट मीन्स अप्रिय, साउंड मीन्स ध्वनि, इज कॉल्ड कहलाती है, नॉइज मीन्स शोर। अप्रिय ध्वनि क्या कहलाती है? शोर कहलाती है, यानी कि जो ध्वनि सुनने में अच्छी नहीं लगती है उसी को हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आप लाइट एंड प्रकाश के बारे में आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।